ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। देश आज 22वां कारगिल दिवस मना रहा है। इस मौके पर देश के राष्ट्रपति और सशस्त्र सेनाओं के सुप्रीम कमांडर रामनाथ कोविंद खुद द्रास में कारगिल वॉर मेमोरियल पर वीरगति को प्राप्त हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। आज कारगिल वॉर मेमोरियल पर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस मौके पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और सेना की उत्तरी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल वाई के जोशी और लेह स्थित 14वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल पीजी के मेनन भी मौजूद रहेंगे। इसके बाद 1971 युद्ध की स्वर्णिम विजय मशाल भी द्रास वॉर मेमोरियल पहुंचेगी। इसकी आपको बता दें कि इसकी अगवानी खुद वहां मौजूद गणमान्य व्यक्ति और सैन्य कमांडर्स करेंगे। बता दें कि 1999 में कारगिल की ऊंची चोटियों पर भारत और पाकिस्तान के बीच जंग हुई थी, जिसमें भारत को विजय हुई थी। इस युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में हर साल कारगिल के द्रास स्थित वॉर मेमोरियल पर कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। 1999 में पाकिस्तानी सेना ने भारत की इन चोटियों पर कब्जा कर लिया था। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। वह पहली और दूसरी लहर में कोरोना वॉरियर्स ने दिन रात काम किया। कोरोना वॉरियर्स की इसी मेहनत पर ताज नगरी आगरा में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। ताज नगरी के ताजगंज में प्राइवेट चिकित्सक एसोसिएशन द्वारा सैकड़ों चिकित्सक को कोरोना काल में बेहतरीन सेवा देने के लिए कोरोना योद्धा सम्मान पत्र देते हुए उनका सम्मान किया गया। वहीं इस सम्मान समारोह के दौरान प्राइवेट चिकित्सक एसोसिएशन द्वारा नए पदाधिकारियों की भी घोषणा की गई। वहीं डॉक्टर राम लवानिया ने बताया कि एसोसिएशन से आज उन्हें जो भी जिम्मेदारी मिली है उसको वो बखूबी निभाएंगी और अपने चिकित्सक साथियों को बेहतर सेवा प्रदान करने और मरीजों की अच्छे से देखरेख करने के लिए वो प्रेरित करते हुए नए साथियों का भी सहयोग लिया जाएगा। यहाँ काफ़ी दूर दूर से, बिहार से, राजस्थान से, दिल्ली से, गाज़ियाबाद से, सभी जगह से चिकित्सकों को आमंत्रित किया गया है और मेडिकल मोटिवेशनल ट्रेनिंग दी गई है। जो तीसरी लहर आ रही है उसके संबंधित तैयार किया जा रहा है। जो मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर एस के शर्मा जी के द्वारा दी गई है। ये मैंने प्राइवेट चिकित्सा मेडिकल एसोसिएशन दिल्ली के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर एस के शर्मा, इन्होंने मुझे आगरा का जिलाध्यक्ष का पदभार दिया है और मैंने इसी के लिए इन लोगों को इनको बुलाया है। और ये लोग जगह जगह से चिकित्सक आए हुए हैं, राजस्थान से, बिहार से, यूपी से, दिल्ली से, गाज़ियाबाद से, सब जगह के चिकित्सक यहाँ आए, सबका सम्मान समारोह हुआ है और सर ने मुझे प्रशस्ति पत्र दिया है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ अपनी बहन संगीता शर्मा जी का और लवण्य हॉस्पिटल वालों का और डॉक्टर एस के शर्मा जी का, क्योंकि उन्होंने आगरा के अंदर जो नोटिफिकेशन जो मीटिंग बुलाई है और लोगों को समझाने का काम किया है, हम उसके आभारी हैं। क्योंकि लोगों को मेडिकल लाइन से जुड़ने के लिए मेडिकल लाइन के बारे में पूरी जानकारी हासिल होनी चाहिए, क्योंकि हमारी जो लाइन है एक सेवा भाव करने की है, ना कि पैसा कमाने की है। क्योंकि कोरोना काल के अंदर हम लोगों ने जो लोगों की सेवा की है उसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने भी हमें धन्यवाद दिया है और आश्वासन दिया है कि आने वाले टाइम में जो इस टाइप के लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, उनको हम 6-6 महीने की ट्रेनिंग दे करके, उनको क्वालिफिकेशन दे करके इन्हें क्वालिफाइड करेंगे। आगरा के ताजगंज में हम लोगों ने सैकड़ों चिकित्सकों को सम्मानित किया है। ये वो चिकित्सक थे जो कोरोना के दौरान अपनी सेवाएँ दे चुके हैं और ज़िले के लाखों चिकित्सकों ने सैकड़ों यहाँ पर जो कोरोना के मरीज थे उनको ठीक करने का काम किया है। आज उनको कोरोना योद्धा जैसे सम्मान से हम लोगों ने सम्मानित करने का काम किया। लखनऊ नगर निगम में आम सदन में आज जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष और सत्ता के पार्षदों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार और नगर निगम के अधिकारियों के खिलाफ लामबंद होकर अपनी समस्याओं को मेयर संयुक्ता भाटिया और नगर आयुक्त अजय द्विवेदी के सामने रखा। पार्षदों का आरोप था कि उनकी समस्याएं सुनने वाला कोई नहीं है। आम सदन में सबसे ज्यादा सीवर पानी और जगह जगह सड़क पर गड्ढों का मामला भी उठाया गया। पार्षदों का कहना था कि जब उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा तो वह जनता को क्या जवाब देंगे। इसी मुद्दे को लेकर मेयर और पार्षदों के बीच तीखी बहस भी देखने को मिली, जिसके बाद
कई पार्षद मेयर की चेयर तक पहुंच गए और जमकर कहा सुनी हुई, जिससे नाराज होकर मेयर संयुक्ता भाटिया सदन की कार्यवाही छोड़कर अपने कार्यालय में चली गई। को भी अगर वो काम नहीं कर रहे तो उसको कैसे काम करें, इसकी एक रणनीति तैयार करते हैं हम, उस समस्या का समाधान कैसे करें इस पे हम निर्णय लेते हैं। स्वस्थ चर्चा करें, जनता को लाभ देने की बात करें, उस पर हम बैठकर निर्णय लें। जब हम इस तरह से हो हल्ला करेंगे, खड़े हो जाएंगे, 10 लोग एक साथ बात करेंगे, किसी की बात सुनाई नहीं देगी हम यहाँ, तो फिर हम सदन कैसे चलाएंगे? 20 लोग खड़े हैं, शोर मचा रहे हैं, किसी की बात सुन नहीं रहे, तो उसमें हम रणनीति कैसे बना सकते हैं? जब हमने एक बार व्यवस्था दे दी कि एक एक सबकी बात सुनी जाएगी, हम रात तक सदन चलाएंगे, 2 दिन चल जाएगा तो भी चलाएंगे, और हर बात आपकी सुनेंगे, उस बात का जवाब देंगे, उस बात पर निर्णय लेंगे, उस बात पर हम क्या कर सकते हैं, हमारे क्या अधिकार हैं, उस पर हम बात करेंगे। आप सबसे कह दिया एक बात को अगर रिपीट करें तो भी हम सुन रहे हैं, सबने एक बात को बार बार रिपीट किया गंदा पानी आ रही, फिर भी हम सुन रहे हैं, हम क्योंकि आपको बोलने का अधिकार है, आप बोलिए, हम सुनेंगे, आप रात तक बोलेंगे, हम रात तक सुनेंगे, लेकिन आप एक यूपी विधानसभा चुनाव में पूर्व सांसद फूलन देवी की मूर्ति के जरिए एंट्री करने की तैयारी कर रहे बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी को बड़ा झटका लगा है। उन्नाव प्रशासन ने फूलन देवी की प्रतिमा को जब्त कर लिया है। बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के बदलीपुरवा गांव में फूलन देवी की प्रतिमा का अनावरण की सूचना जैसे ही प्रशासन को मिली तो प्रशासन में हड़कंप मच गया। तत्काल पुलिस बल तैनात कर कार्यक्रम को रुकवा दिया गया। SDM ने प्रतिमा को कब्जे में लेकर पुलिस की निगरानी में रखवा दिया है। दरअसल बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के बदलीपुरवा गांव स्थित एक स्कूल परिसर में शहादत दिवस के अवसर पर फूलन देवी की प्रतिमा स्थापित करने का कार्यक्रम प्रस्तावित था। यहां सभी व्यवस्थाएं भी कर ली गई थी। कार्यक्रम में बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री और विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी को प्रतिमा का अनावरण करना था, लेकिन इससे पहले ही जब प्रशासन को कार्यक्रम की जानकारी हुई तो अधिकारी हरकत में आ गए और तुरंत प्रतिमा को जब्त कर लिया गया। थाना बांगरमऊ के बदलीपुरवा गांव में एक निजी विद्यालय में मूर्ति लगाने की सूचना मिली। सूचना पाकर बांगरमऊ पुलिस आयोजकों से संपर्क करके उनसे पूछा तो उनके पास इस प्रकार के आयोजन की कोई अनुमति नहीं थी। आयोजकों से बात की गई कि बिना अनुमति के ऐसा कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं होगा। मूर्ति को कब्जे में लेकर थाने में रख दिया गया है। बुलंदशहर में फूलन देवी शहादत दिवस का आयोजन किया गया। निषाद पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने एक साथ इकट्ठा होकर गांव वालों संग फूलन देवी का शहादत दिवस मनाया और उनकी तस्वीर के आगे पुष्पांजलि अर्पित की। निषाद पार्टी के प्रदेश महासचिव शिखर अग्रवाल ने कहा कि फूलन देवी ने जैसे अत्याचारियों का वध किया था, ऐसे ही सभी महिलाओं को हथियार उठाने होंगे। शहादत दिवस के माध्यम से ये संदेश दिया जा रहा है कि गांव गांव में हर महिला फूलन देवी होगी। वहीं फूलन देवी के हत्यारे शेर सिंह राणा को फांसी देने की मांग की गई। इस दौरान कार्यक्रम में निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं सहित काफी तादाद में लोग मौजूद रहे। वैक्सीन की धीमी गति और कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए बीजेपी कार्यकर्ता गांव-गांव पहुंचे और एरवा कैट्रा CHC में जिला संयोजक वैक्सीनेशन ऋषि पांडे के नेतृत्व में सभी लोगों ने निवेदन किया और कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोग बढ़ चढ़ कर वैक्सीनेशन अभियान में हिस्सा लें और वैक्सीन लगवाएं, जिससे कि कोरोना की तीसरी लहर से बचा जा सके। वैक्सीनेशन अभियान में क्षेत्रीय उपाध्यक्ष भाजपा आनंद सिंह समेत तमाम लोग मौजूद रहे। जौनपुर के मोहद्दीपुर में स्थित समाजवादी कोटिया में पहुंचे सपा पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष राजपाल कश्यप ने फूलन देवी के चित्र पर माल्यार्पण कर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि भाजपा सरकार इस वक्त डरी हुई है, तभी गाजीपुर में आयोजित होने वाले फूलन देवी के पुण्यतिथि के अवसर पर उनके कार्यक्रम को होने नहीं दिया जा रहा। बता दें कि कोरोना काल से ही समाजवादी कुटिया के संचालक ऋषि यादव के द्वारा अपने गाँव के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और पौष्टिक आहार वितरित करने का काम किया जा रहा है। समाजवादी कुटिया में आके मैंने देखा इतना अच्छी तरीके से, व्यवस्थित तरीके से गरीब शोषित वंचित समाजवादी ये कहता है जो सबको लेके चल सकता है, समाजवादी देश और प्रदेश को तरक्की दे सकता है। समाजवादी कुटिया में बच्चों के भविष्य के बनाने की बात की जाती है और जिस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, उनको आगे उनके भविष्य के लिए दरवाजे खोले जा रहे हैं। मैं ऋषि यादव जी को
और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।